बच्चों आपसे कहा गया है कि इन पर्टिकुलर्स की हेल्प से यानी इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आपको बताना है कि पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो आपका जो क्वेश्चन है पहला वाला वो कुछ इस तरह से है कि आपको शिव, मोहन और हरी तीन पार्टनर्स गिवन है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:5:4। इनमें से जो बीच वाला पार्टनर है मोहन, वो रिटायर हो गया और उसके शेयर को शिव और हरी ने इक्वली एक्वायर कर लिया, इक्वली आपस में बांट लिया। ठीक है बच्चों, तो शिव और हरी ने जो है मोहन के शेयर को इक्वली एक्वायर किया है, यानी कि शिव को कितना गेन हुआ होगा बच्चों? मोहन के शेयर का जो कि 5:14 है हाफ, जो कि निकल के आएगा 5:28, इतना ही गेन आपका हरी का होगा क्योंकि उसने भी मोहन के शेयर का हाफ ही टेक ओवर किया है। तो हरी का गेन भी आएगा बच्चों 5:14 का हाफ, यानी 5:28। सही है बच्चों। अब रही बात नए शेयर की, तो शिव का नया शेयर कितना होगा? शिव का नया शेयर होगा जितना उसका शेयर पुराना था, दैट वाज 5:14, उसमें उसने जितना गेन किया वो ऐड कर दीजिए। ये आ जाएगा बच्चों क्या कहते हैं, 15:28। क्लियर बच्चों? हरी के नए शेयर की बात करें तो उसके पुराने शेयर में उसका गेन ऐड कर दीजिए, तो उसका पुराना शेयर है 4:14, गेन इसका भी 5:28 ही है, ये आ जाएगा 13:28। अब नया रेशियो क्या होगा बच्चों इन दोनों का? नया रेशियो होगा 15:13। और अगर कोई कहे गेनिंग रेशियो क्या है, तो गेनिंग रेशियो हो जाएगा 1:1। ये देख लीजिए बच्चों। क्लियर बच्चों? आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। पी क्यू आर पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं आपस में इन द रेशियो 5:4:1। पी रिटायर हो गया फ्रॉम द फर्म और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है, और आपसे कहा गया नया रेशियो निकालिए क्यू और आर का। ठीक है बच्चों, तो क्यू और आर का नया रेशियो क्या होगा बच्चों, आइए देखते हैं। तो ओल्ड रेशियो है 5:4:1, जो रिटायर हुआ उसके रेशियो को छुपा लीजिए, हटा दीजिए मतलब, तो जो बचा वही क्यू और आर का नया रेशियो हो जाएगा, साथ के साथ ये इनका गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। तो न्यू रेशियो एज वेल एज गेनिंग रेशियो दोनों ही है आपका 4:1 आएगा ऑफ क्यू एंड आर।